Assalamu alaikum students, myself Zaid sir. Today I am going to discuss, I am going to start a topic, dimensional analysis. बहुत ही important topic है board exams के हिसाब से भी और entrance point of view से भी, और इंशाल्लाह कोशिश यही होगी मेरी कि दोनों पर्सपेक्टिव कंप्लीट हो जाए. बट ऑलवेज वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स. सो हाउ कैन वी डिफाइन डायमेंशंस? व्हाट इज अ डायमेंशन? डायमेंशन होता क्या है? तो जब हम इसके एक यूजुअल डेफिनेशन देखते हैं बुक से, सो द डेफिनेशन इज द पावर्स to which M, L, T, R raised to represent, to represent a physical quantity. एक usual definition आपको book से भी मिलेगी and usually we define it, but we will try to understand it more conceptually with more depth. तो देखिए, ये हमें कह रहा है कि एक physical quantity को represent करने के लिए M, L, T को कुछ powers आते हैं, उन powers को हम dimensions कहते हैं. मगर मसला है, why we are going to discuss the dimension concept? Actually है क्या word dimension? तो देखिए आप बटे बेटा बड़े गौर से इधर. जैसे कि आपको पता है कि फिजिकल क्वांटिटी जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटी भी हो सकती है, ये बेटा डिराइव्ड क्वांटिटी भी हो सकती है. तो ये आपको पता है. अगर आप फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करेंगे तो ऐसे सिस्टम के हवाले से आपके पास सात फंडामेंटल क्वांटिटीज है. यू हैव मास, यू हैव लेंथ, यू हैव टाइम, यू हैव करंट, यू हैव टेम्परेचर, यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अनदर वन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू. बाकी इन सात के बगैर जितनी भी क्वांटिटीज है उनको हम बेटा कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी. दैट मींस डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज. दैट मींस हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी. अब आप बस दिमाग में बिठा लो ये सात. इन सात के बगैर जो भी क्वांटिटी है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है. अब अगर बेटा ये डिराइव्ड क्वांटिटी है तो ये किस पे डिपेंड करेगी? फंडामेंटल क्वांटिटी पर. अब कैसे? आसान तरीके से आपको पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर डिराइव्ड क्वांटिटी किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है. तो वो चीज बताने के लिए डायमेंशन आ गया. किस तरीके से डिपेंड हो रहा है वो चीज बताएगा डायमेंशन. इट्स नॉट ओनली पावर टू विच एम एल टी आर रेज्ड. नो, इट कन्वेज यू अ मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिक्यूलर डिराइव्ड क्वांटिटी. तो कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है? सात. ठीक है, हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी को आप अपनी सिंबल देंगे. मास का सिंबल हम एम देंगे, लेंथ का सिंबल हम एल देंगे, टाइम का सिंबल हम टी देंगे, करंट का सिंबल हम ए देंगे, टेम्परेचर का सिंबल के भी देते हैं, थीटा भी देते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल सी डी देते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल एम ओ एल देते हैं, मोल. पूरा स्पेल तो एम ओ एल ही है बट हियर सिंबॉलिकली इट्स एम ओ एल. सो ये सिंबल्स इनको दी गई. अब एक दो एग्जांपल्स यहां पे मैं कोट करूंगा आपको, डायमेंशंस का एक कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट जहन में आएगा.
तो आप नजर रखिएगा बेटा यहां पूरे तरीके से। सी देखिए, सात सिंबल्स को जहन में रखते हुए आई विल कोट हेयर ऑन द साइड। मास का सिंबल एम, लेंथ का सिंबल एल, टाइम का सिंबल टी, टाइम का सिंबल टी, करंट ए, टेम्परेचर के और थीटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी सी डी कैंडिला के नाम पे, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मोल के नाम पर। अब एक दो एग्जांपल्स ताकि ये कॉन्सेप्चुअली आपको डायमेंशन का डेफिनेशन समझ में आ जाए। देखिए बेटा गौर से, एक क्वांटिटी है आपके पास एरिया की, मैं ले लेता हूं। एरिया की डेफिनेशन क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो एरिया इन साथ में कहीं पर है? नहीं है, तो एरिया डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब अगर ये डिराइव्ड क्वांटिटी है तो इसको रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल। अब इसकी रिलेशन क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स एंड मीटर इज लेंथ, सिंबल इज एल। ब्रेड्थ इज मेजर्ड इन मीटर्स एंड मीटर इज अगेन लेंथ एल। व्हाट इज एल इनटू एल? एल स्क्वायर। यहां से आपको पता चल रहा है एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो किस फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड है? एल पर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है टू कन्वे मोर इंफॉर्मेशन, एम जीरो एल टू टी जीरो। यहां पर जिस जिस सिंबल का पावर आएगा उस फंडामेंटल क्वांटिटी पर ये डिपेंड है, जिस जिस सिंबल का पावर जीरो उस पर ये डिपेंड नहीं है। तो देखिए ये डायमेंशन खाली पावर नहीं है, प्लीज आप यहां पूरे अच्छे से समझिए। इट्स नॉट जस्ट टू टेल पावर रेज टू द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट डायमेंशन, नो, डायमेंशन टेल्स यू, इट कन्वेज द इंफॉर्मेशन दैट किस फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड है। यहां आपको पता चला एरिया लेंथ पर डिपेंड है, एरिया लेंथ पर डिपेंड है, एरिया लेंथ पर डिपेंड है, नंबर एक। नंबर दो, कैसे डिपेंड है? डायरेक्टली डिपेंड है। जब तक पावर पॉजिटिव है डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। डायरेक्ट डिपेंडेंस का मतलब लेंथ बढ़ाओ एरिया बढ़ेगा, ठीक है, आर यू गेटिंग? नंबर थर्ड, कैसे डिपेंड है? स्क्वायरली यहां पे डिपेंड है क्योंकि एल का पावर टू आ गया, ठीक है। तो यहां एक डायमेंशनल डायमेंशन, ये जो अब आपने रिप्रेजेंटेशन दी, इस रिप्रेजेंटेशन को डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इस पूरे को कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। नाउ अगर आप बेटा वॉल्यूम लेंगे, व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। Length is measured in meters, so symbolically L. Breadth in meters, L. Height in meters, L. What it becomes? L cube. Itna bhi rakh sakte hai, but keep it in the brackets. It's a convention for dimensional formula. It's M0, L cube, T0. Toh kya kya pata chala? Volume ek derived quantity hai, जो किस फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड है? लेंथ पर। कैसे डिपेंड है? डायरेक्टली। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ डिपेंडेंस? क्यूब। थ्री थिंग्स, किस फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड है, कैसे डिपेंड है, और व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट डिपेंडेंस। नेचर मतलब पावर, क्यूब है, स्क्वायर है, रूट है, वन है।
तो जितना पावर ज्यादा होगा जिस फंडामेंटल क्वांटिटी पर, उतना ये उस पर ज्यादा डिपेंड है। ठीक, सी नाउ। और एक क्वांटिटी हम लेंगे डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है रिलेशन के हिसाब से? मास बाय वॉल्यूम। मास का डायमेंशन m, वॉल्यूम का डायमेंशन l क्यूब। ठीक है, m डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रखना है, कीप इट, टेक इट इन द न्यूमरेटर। जब ये न्यूमरेटर में आएगा इसका पावर बेटा आएगा -3। बताओ क्या क्या पता चल रहा है? क्या आपको नहीं पता चल रहा है कि डेंसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो कि दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड है, मास पर डिपेंड है, लेंथ पर डिपेंड है। ठीक, मास पर डायरेक्टली, लेंथ पर इनवर्सली। मास का पावर 1, लेंथ का पावर 3। -3 का मतलब है इट डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द लेंथ विद क्यूब। तो सबसे पहले हमें तो यही आना चाहिए ना, डायमंड किस क्वांटिटी की क्या डायमेंशनल फॉर्मूला है। ये आएगा क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान बन जाएगा हमारे लिए। तो पहले एक दो क्लास तो अभी इसी चीज पे लगेंगे कि किस क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे हम। सो अब आपने समझा क्या, व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन इज, वी विल डिफाइन इट्स अ पावर रेज्ड टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज टू रिप्रेजेंट अ डिराइव्ड क्वांटिटी। बट इट डायमेंशन शोज अस डिपेंडेंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी। डायमेंशन शोज अस द नेचर ऑफ दैट डिपेंडेंस। डायमंड, अब दैट मीन्स अब ये बिल्कुल आसान हमारे लिए बन गया कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड है। ये जो आप लिख रहे हैं ये, इसको बेटा, या ये, इनको हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। सो हाउ कैन वी डिफाइन द वर्ड डायमेंशनल फॉर्मूला? How can we define the word dimensional formula? Dimensional formula होता क्या है? Dimensional formula simply define करेंगे हम symbolic representation of, symbolic representation of units. ठीक है, m किस यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है? मीटर, सॉरी, m किस यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है? केजी। l मीटर, टाइम सेकेंड, a एम्पियर, k कैलोवन, cd कैंडीला। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला मस्ट बी एनक्लोज्ड इन द ब्रैकेट्स। तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना बेटा? M0, L2, T0. ठीक है, ठीक है। What this dimensional formula tells you? It tells you, number first, derived quantity किस किस fundamental quantity पे depend है, derived quantity किस fundamental quantity पर कैसे depend है, कैसे का मतलब है directly है कि inversely है। तीसरा, उस डिपेंडेंस का नेचर कैसा है, स्क्वायर है, लीनियर है, क्यूब है, क्या है। ठीक, अब आप एक चीज याद रखेंगे, मैं आप यहां पे 10 डायमेंशंस अभी आपके सामने रखूंगा, आप उन 10 को याद कर दो, बाकी आप किसी भी क्वांटिटी का जल्दी निकाल सकते हैं। देखिए, याद रखना है किस किस का, किस किस का आपको बेटा याद रखना है, वो आप बड़े गौर से देखिए। नंबर एक आप याद रखेंगे एरिया का ही। आप देखिए, रिलेशन अगर याद हो, और इसका डायमेंशन मैंने अभी निकाला एल स्क्वायर, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसका आया एल क्यूब। डेंसिटी, रिलेशन याद, मास बाय वॉल्यूम, ये आया हमें एम एल -3।
स्पीड कहो या वेलोसिटी कहो, ठीक, दे डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस और वी कैन से फॉर वेलोसिटी इट्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बाय टाइम। क्या डिस्टेंस मीटर्स में मेजर नहीं होती है? अगर डिस्टेंस मीटर में मेजर होती है तो एल, टाइम का टी आएगा, डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, टी को ऊपर ले आओ तो क्या आया इसका डायमेंशन, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन किसका, स्पीड का। तो एक्सेलरेशन का क्या आएगा, एक्सेलरेशन का क्या आएगा, वेलोसिटी बाय टाइम। देखिए वेलोसिटी याद होगा, एक्सेलरेशन तो आएगा ही, वेलोसिटी है आपका एल टी माइनस वन, टाइम है टी, ठीक है। गौर से, बड़े गौर से यहां समझियो बेटा, ये एल तो एल ही है, एल ही है, टी न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो अपना न्यूमरेटर में है माइनस वन, इसको भी ऊपर ले आओ माइनस वन, ये क्या बेटा बनेगा, एल टी माइनस टू। आई विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट वीडियो।